Hello, young champs. Welcome to Magnet Brains. This is Tess Anajos, and we are going to continue with our worksheets, Unit 6. The first thing in this unit is the poem Trains. Yaad hai aapko trains? Humne poem seekha tha about trains, ki kaise lambi si train aati hai, wo subah sham chalti rehti hai, chahe barish ho, summers ho, winters ho, wo chalta rehta hai. Usme log aate hain, saman aata hai, hamare parcels aate hain, bahut sari cheeze milti hain. एंड उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से रास्ते से जा रही है, वो हिल्स पे भी से जाती है, रिवर के ऊपर से जाती है, प्लेन लैंड पे से जाती है, हर जगह से ट्रेन आसानी से निकल जाती है, राइट? सो दैट वाज आवर पोएम. वील बी डूइंग आवर एक्सरसाइजेस फ्रॉम द पोएम. एंड बिफोर डूइंग द एक्सरसाइजेस प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स एंड रीड द पोएम वंस मोर. ठीक है, एक बार पोएम को ज़रूर रीड करना एक्सरसाइज शुरू करने से पहले. सो लेट्स स्टार्ट. What do the trains carry inside them? Trains देखा है ना आपने, क्या क्या होता है trains के अंदर, कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं या क्या क्या trains में travel होता है. Trains carry goods. Goods मतलब very good वाला good? No, सामान वाला good. जो भी चीज़ें होती है ना, क्या बोलते हैं, कभी कोल आता है, देन ट्रेन में और क्या क्या चीज़ें आती है, ग्रेन्स आते हैं, ये सब चीज़ें गुड्स है, मतलब सामान चीज़ें. सो ट्रेन्स कैरी गुड्स, ऑयल, वाटर, पार्सल्स एंड पीपल इनसाइड देम. सिर्फ सामान तो नहीं आता ना, लोग भी आते ट्रेन में. सो ट्रेन में क्या क्या ट्रैवल हो सकता है, लोग, देन लेटर्स एंड पार्सल्स, देन गुड्स, कुछ जगहों पे मिल्क, ऑयल, वाटर, ये चीज़ें भी ट्रेन में सप्लाई होती है. कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी नहीं होता है, वहाँ पे बाय ट्रेन. आपने टैंकर्स देखे हैं ना, बड़े वाले टैंकर, वाटर टैंक्स होते हैं, फिर जिसपे पेट्रोल जाता है, वैसे बड़े बड़े टैंक वाली ट्रेन्स होती हैं, उसमें वाटर, मिल्क, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती है. ठीक है, सो ट्रेन में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, गुड्स, ऑयल, वाटर एंड पीपल ऑल्सो. हाउ मेनी फ्रेट कार्स डज द इंजन कैरी, आपके पोएम में है. हाउ मेनी फ्रेट कार्स द इंजन कैरीज, thousands of freight cars. ठीक है, the engine carries 1000 freight cars. आपके poem में शायद third stanza के first line में मिल जाएगा. Please book खोल के ही रखना, okay? The engine carries 1000 freight cars. Have you ever travelled by train? Now this is an activity question. आपको लिखना है. अगर आपने travel किया है तो you have to write yes, I have travelled by train. If yes, write where did you recently travel by it? Yes, I have travelled by train. So your answer will be in this form. Yes, I have travelled. I को capital लिखना please. By train. ठीक है, then you have to write I went to dash I went to dash from dash station. ठीक है, सो हाउ विल यू राइट, येस आई हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. ठीक है, आई वेंट टू, आप कहाँ गए थे वो यहां लिखना है. आप कहाँ गए थे वो यहां लिखोगे. फ्रॉम डैश स्टेशन, कौन से स्टेशन से आप स्टार्ट कर रहे थे वो यहां लिखोगे. एग्जाम्पल, आई वेंट टू
I went to Kerala from Bhopal. ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, आपको ये याद नहीं करना है. दिस इज नॉट फॉर योर एग्जाम एंड इसको याद मत करना, ये बाई हार्ट नहीं करना है. इसमें आपको लिखना है, जहाँ मैम ने ब्लैंक छोड़ा है ना, दैट इज फॉर यू टू फिल कि आप कहाँ गए थे और कौन से स्टेशन से आप स्टार्ट कर रहे थे. ओके, चलो. नेक्स्ट, एज कार्स मूव ऑन पेट्रोल, टिक मार्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स टू ट्रेन ट्रेवल्स. अच्छा, ट्रेन कैसे ट्रैवल करती है आपको पता है? पहले टाइम पे तो कोल से चलता था, कोयला, कोल से चलता था, बट अब अलग कोयले से नहीं चलता, वो कोल वाले ट्रेन्स नहीं है. हमारा इंजन किस किस से चलता है पता है आपको? इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से एंड डीजल से. इलेक्ट्रिसिटी वाले ट्रेन कौन से होते हैं? वो ट्रेन जिनके ऊपर ना ऐसी वायर्स बनी होती हैं, एंड देखा है आपने? ओके, मैम का ट्रेन ट्रेन तो नहीं लग रहा है, बट ऐसा ही कुछ, मतलब ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स दिखती हैं. रोड पे इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स देखे है ना, बिल्कुल ऐसे ही ट्रेन के ऊपर भी होती है. वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, एंड जो नॉर्मल ट्रेन से जिनके ऊपर कुछ नहीं है, वो डीजल से चलती है. ठीक है, डिफरेंस पता चल गया? इलेक्ट्रिसिटी वालों के ऊपर आपको पोल्स और वायर्स दिखेंगी, एंड जो डीजल वाला है वो नॉर्मल सा ट्रेन होता है. ठीक है, सो रिमेंबर, ट्रेन किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल. नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ रेलवे टिकट? We need a railway ticket to travel in train. See a labeled railway ticket below and know the content of the train. So, आपके पास एक ट्रेन का टिकट है. आपको पता है ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट्स की ज़रूरत होती है, चाहे लंबा डिस्टेंस हो चाहे छोटा डिस्टेंस हो. ठीक है, अलग अलग टिकट्स की अलग अलग रेट होती है, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग टिकट्स होती है. सो आपके पास एक टिकट है, एंड आपको इस टिकट पे कुछ चीज़ें पता चल जाती है टिकट देख के. क्या क्या होता है? एग्जाम्पल, मतलब अभी इस टिकट पे आपको क्या क्या दिखेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आपके ट्रेन का नंबर, आपके ट्रेन का एक नंबर होता है, हर ट्रेन का एक नंबर होता है, वो मेंशन किया गया होता है आपके टिकट पे. ठीक है, कि आपको कौन से ट्रेन पे जाना है, इस ट्रेन का नंबर आपको टिकट पे दिया होता है. सो यू हैव द ट्रेन नंबर. मतलब जिस ट्रेन में आप जा रहे हो उस ट्रेन का नंबर. देन होता है पीएनआर नंबर. ये हर पैसेंजर के लिए अलग अलग होता है. लाइक मेरे लिए जो टिकट होगा, मेरे टिकट पे अलग नंबर, मेरे साइड वाले के टिकट पे अलग नंबर. ठीक है, दिस इज पैसेंजर के लिए एक नंबर, मतलब मेरे रिकॉग्नाइज करने, मुझे रिकॉग्नाइज करने के लिए एक नंबर. सो पीएनआर नंबर. फिर क्या होता है? देन डेट, आप कौन से दिन ट्रैवल कर रहे हो, डेट. अब डेट दो होती है, डिपार्चर एंड अराइवल. मतलब डेट एंड टाइम है. ठीक है, 1, 2, 3, डेट एंड टाइम. अगर मैं आज शाम को यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करूँगी, तो मेरे टिकट पे आज की डेट और मेरे ट्रेन का टाइम होगा. एंड अगर मैं परसों कहीं पे पहुँच रही हूँ, तो उस अब अराइवल वाले जगह पे परसों का डेट और परसों मेरी ट्रेन का पहुँचेगी, ये टाइम दिया होगा. ठीक है, सो डिपार्चर मीन्स जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो वाली जर्नी, एंड अराइवल जहाँ पे हमें पहुँचना है. ठीक है, वो दोनों मेंशन किया होता है. देन और क्या होता है? आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, आपका ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है. सो योर प्लेस इज मेंशनड. और क्या होता है?
आपके ट्रेन का कॉस्ट, आपके टिकट का कॉस्ट, रिजर्व सीट का कॉस्ट, और क्या होता है नेम, सिक्स, देन होता है आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ कितने लोग हैं, ठीक है, लाइक अगर 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ तो इस टिकट पे 5 लोगों का मेंशन किया होगा. सो नेम, एज, सेक्स, मतलब मेरा नाम, मैं कितने साल की हूँ, एंड फीमेल मेल, ये मेंशन होता है. सो दीज आर द थिंग्स जो आपके टिकट पे आपको मेंशन होती है. और भी चीज़ें हैं बट इतना काफ़ी है. क्या क्या होता है, ट्रेन नंबर, PNR नंबर, नेम रिकग्नाइजेशन करने के लिए सारे डिटेल्स, देन कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हो, कितने टाइम पे पहुँचोगे, एंड द कॉस्ट ऑफ योर टिकट. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके टिकट में मेंशन होती हैं. नेक्स्ट टाइम जब आपके पास एक टिकट आए तो ट्राई टू मार्क कि क्या है कैसे. प्लीज़ टिकट यूज़ करने के बाद ही उस पर मार्क करना, ये नहीं कि आज शाम को टिकट घर आया और आज ही तुमने उस पर मार्क कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आपके पास एक टिकट हो तो ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें क्या क्या है. नेक्स्ट इज लिस्ट द नेम ऑफ दोज हुम यू सी एट द रेलवे स्टेशन, टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू. स्टेशन खाली तो नहीं होता ना, स्टेशन भरा हुआ होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती है देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए. सो स्टेशन तो हमेशा भरा होता है, अभी कंडीशंस में नहीं भरा होता है, राइट. सो आपके क्वेश्चन में है कि आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम मेंशन करने हैं जिनको आप स्टेशन पे देखते हैं. ओके, चलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. टीटी, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर. ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग हमेशा टीटी बोलते हैं, इट इज़ नॉट टीटी, इट इज़ टीटीई, ठीक है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर. ओके, नेक्स्ट और कौन होते हैं, पैसेंजर्स, मतलब जो ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर्स होते हैं, देन जो लोग वेट कर रहे हैं, टीटी, पैसेंजर्स इन ट्रेन, पीपल वेटिंग एट द स्टेशन. नेक्स्ट शॉपकीपर्स, नेक्स्ट बेगर्स, फिर ड्राइवर्स, है ना, चीज़ें बेचने के लिए लोग होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे बेग करने वाले लोग भी होते हैं, फिर ड्राइवर्स जो स्टेशन से बाहर निकलते ही शुरू हो जाते हैं, सर यहाँ जाना है, मैम वहाँ जाना है, हम छोड़ देते, है ना, सो दे आर देयर. फिर और कौन है, लगेज दिया हुआ है तो दिस इज़ फॉर पोर्टर्स. पोर्टर्स कौन होते हैं, कूली, रेड यूनिफॉर्म वाले, देखे ना, जो हमारा सामान उठाने में हमारी हेल्प करते हैं, दोज आर पोर्टर्स. देन अदर ट्रेन्स, एंड चेकिंग के लिए कौन है, एंड टिकट चेकर्स. ओके, एक टीटी होता है जो ट्रेन के अंदर आपके टिकट चेक करता है, एक टीटी को देखा है जो डोर पे खड़ा रहता है स्टेशन के डोर पे, हम लोग बाहर निकलते हैं तो चेक करते हैं हमारे पास टिकट है या नहीं. सो दैट्स एन डिफरेंट, दैट्स अ डिफरेंट टीटी, ठीक है. सो हम लोग कौन कौन को देखते हैं, मतलब किस किस को देखते हैं स्टेशन पे, पोर्टर्स होते हैं, दूसरे शॉपकीपर्स होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं जो हमारी ट्रेन के लिए पैसेंजर्स हैं वो भी, दूसरी ट्रेन में जा रहे हैं वो भी, कुछ लोग जो उनको छोड़ने आते हैं, मिलने आते हैं वो लोग, फिर बेगर्स, देन टीटी, पुलिस, और कौन है, देन वर्कर्स होते हैं ना जो स्टेशन क्लीन रखते हैं, वर्कर्स. सो अगर लिस्ट देखें तो बहुत बड़ी लिस्ट है ना, हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं स्टेशन पर,
Next is, here are some pictures of a monkey and a crocodile. Looking at the picture, write a story yourself in the space provided. So, this is a story. पहले story सुन लो. There was a monkey and a crocodile. वो दोनों बहुत अच्छे friends थे. होता है ऐसा, पता है? होता है. एक monkey और एक crocodile बहुत अच्छे friends थे. And जो हमारा monkey है, वो एक बड़े से fruit tree पे रहता था. एंड दिन भर फ्रूट्स खाता रहता था. उसको बहुत मीठे मीठे फ्रूट्स मिलते थे, तो वो फ्रूट्स खाता रहता था. नाउ एक दिन क्रोकोडाइल उसके पास आता है. वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे, तो मंकी ने क्या किया, अपने ट्री में से फ्रूट तोड़ के क्रोकोडाइल को दिया. एंड क्रोकोडाइल वॉज वेरी हैप्पी. उसने फ्रूट खाया और कहा कि वाओ, कितना मीठा मीठा फ्रूट है. देन वो क्या करता है, थोड़े से फ्रूट्स अपनी वाइफ के लिए लेके जाता है. ठीक है, वाइफ पानी में रहती थी, क्रोकोडाइल्स दोनों पानी में रहते थे, हस्बैंड वाइफ. तो क्रोकोडाइल क्या करता है, थोड़े से फ्रूट्स ले जाके अपनी वाइफ को देता है. अब वाइफ ने खाया फ्रूट्स, उसने कहा कि वाओ, ये तो बहुत मीठे हैं. एंड देन वाइफ के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया. उसने बोला कि अगर उस पेड़ के फ्रूट्स इतने मीठे हैं, तो जो मंकी डेली इस फ्रूट को खाता है, उसका हार्ट कितना मीठा होगा. सो इंटेलिजेंट है ना, ऐसा हो सकता है? नहीं ना. सो अब जो हस्बैंड है वो भी सोचता है कि अरे यस, ये तो सही बोल रही है ना. अगर फ्रूट्स इतने मीठे हैं, तो मंकी का हार्ट तो और भी मीठा होगा. सो उसकी वाइफ एक आइडिया देती है, तो तुम एक काम करो, मंकी तैर तो सकता नहीं, तुम किसी भी तरह उसको पानी में ले आओ. देन वी विल किल हिम एंड वी विल ईट हिम. हम उसे मार के उसका हार्ट खा लेंगे. तो नेक्स्ट डे क्रोकोडाइल जाता है मंकी के पास एंड मंकी से बोलता है, सुनो, तुमने कल मुझे इतने मीठे मीठे फ्रूट्स दिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे घर पे डिनर के लिए आओ. मंकी भी खुश. मंकी कहता ठीक है, चलो. एंड मंकी पेड़ से क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ जाता है. एंड ये दोनों तैर तैर के जा रहे होते हैं. बीच में, पानी के बीच में पहुँचते हैं, तो क्रोकोडाइल इसको बताता है, मतलब मंकी को बताता है कि हम लोग तुम्हारा हार्ट खाने जा रहे हैं. स्टूपिड क्रोकोडाइल, मुंह खोलने की क्या जरूरत थी. सो वो जाता है, बीच में पहुंच गए थे. अब मंकी कूद भी नहीं सकता, वो पानी में बह जाएगा. सो वो एक आइडिया सोचता है. वो उसको बोलता है, अरे यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो अपना हार्ट पेड़ पे छोड़ के आ गया. तुम्हें बताना चाहिए था ना तुम्हें हार्ट चाहिए, हार्ट तो मैं पेड़ पे छोड़ के आ गया. अब क्रोकोडाइल सोचता है कि अरे, ये हार्ट तो घर पे छोड़ के आ गया है, अब मैं इसको घर ले जाके क्या करूँगा. तो वो क्या करता है, कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हें पेड़ तक लेके जाता हूँ, तुम जाओ और तुम्हारा हार्ट लेके आओ. मंकी बोलता है ओके, रेडी. एंड ये दोनों वापस तैर तैर के पेड़ के नीचे पहुँचते. जैसे पेड़ के नीचे पहुँचे, मंकी कूद के पेड़ पे चढ़ जाता है. एंड ये क्रोकोडाइल को बोलता है कि कितने इडियट हो तुम, हार्ट हमारे अंदर होता है, हार्ट बाहर थोड़ी रखा जाता है. सो मैंने तुम्हें फ्रेंड समझ के इतना प्यार से तुम्हें फ्रूट्स दिए, बट तुम मुझे उल्टा खाने की कोशिश कर रहे थे. सो इसके साथ उन दोनों का फ्रेंडशिप भी टूट जाता है. ऐसे मंकीज एंड क्रोकोडाइल्स दुश्मन हुए थे, पहले बहुत अच्छे दोस्त होते थे दोनों. देखा, सो दैट इज योर स्टोरी. नाउ यू हैव टू राइट द स्टोरी. ठीक है, आपके पास पिक्चर्स हैं, आपको नाउ यू हैव टू राइट अ स्टोरी. स्टोरी का फर्स्ट स्टार्टिंग आपको दिया हुआ है. अ मंकी वॉज एंजॉइंग टेस्टी मैंगोज ऑन अ ट्री. हिज क्रोकोडाइल फ्रेंड केम देयर टू मीट हिम. एक मंकी था, वो बहुत ही मीठे मीठे मैंगोज खा रहा था, तो एक क्रोकोडाइल वहां आता है. क्रोकोडाइल उसका फ्रेंड था. सो वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर. हिज क्रोकोडाइल फ्रेंड केम टू मीट हिम. The monkey shared some mangoes with the crocodile. So, जब monkey से मिलने के लिए crocodile आया, तो crocodile ने क्या, monkey ने क्या किया, crocodile को थोड़े से fruits दिए. ठीक है, the monkey shared some mangoes with the crocodile. The crocodile
loved them. He took some home and gave it to his wife. क्रोकोडाइल ने क्या किया? क्रोकोडाइल को जो मैंगोज मंकी ने दिए थे उसने खुद भी खाए एंड थोड़े से अपनी वाइफ के लिए भी लेके गया. शी ऑल्सो लव्ड देम एंड सेड, उसको भी बहुत टेस्टी लगा. देन उसने क्या बोला? If the fruits are so sweet, how sweet will be the monkey's heart? Who eats them daily. So, उसके खुराफाती दिमाग में क्या आइडिया आया? उसने क्या बोला? जो फ्रूट, जब ये फ्रूट इतने मीठे हैं तो जो मंकी डेली इनको खाता है उसका हार्ट कितना मीठा होगा. द क्रोकोडाइल लव्ड देम, ही टुक सम होम एंड गेव इट टू हिज वाइफ. शी ऑल्सो लव्ड देम एंड सेड, इफ द फ्रूट्स आर सो स्वीट, How sweet will be the monkey's heart who eats them daily? ठीक है, अगर ये फ्रूट्स इतने मीठे हैं तो जो मंकी डेली इन फ्रूट्स को खाता है उसका हार्ट कितना मीठा होगा. नेक्स्ट, सो दे डिसाइड to kill the monkey and eat his heart. Together they make a plan. ठीक है, अब दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं. दोनों ने सोचा कि राइट, एकदम सही बात है, अगर फ्रूट मीठा है तो उसका हार्ट भी मीठा होगा. तो दोनों ने प्लान बनाया उसको मार के खाने का. द वाइफ आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू इनवाइट the monkey for dinner. अब वाइफ के दिमाग में आइडिया आया कि तुम जाओ और अपने मंकी फ्रेंड को डिनर के लिए इनवाइट करो. सो दे डिसाइड टू किल द मंकी एंड ईट हिज हार्ट. टुगेदर दे मेक अ प्लान. द वाइफ आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू इनवाइट द मंकी फॉर डिनर. ठीक है, वो प्लान करते हैं कि हम मंकी को डिनर पे बुलाएंगे. The monkey was really happy. The monkey was really happy. And decides to go with the crocodile. ठीक है, मंकी ने क्या डिसाइड किया? चलो ठीक है, बढ़िया है, तो मैंने तुम्हें फ्रूट्स दिए, तुम मुझे अगर डिनर पे बुलाना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ आऊंगा. द मंकी वॉज रियली हैप्पी एंड डिसाइड्स टू गो विद द क्रोकोडाइल.
the monkey rides on the crocodile and they start swimming. अब मंकी तो स्विम कर नहीं सकता, सो वो क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ गया एंड दे स्टार्टेड स्विमिंग. दे रीच्ड इन द मिडल ऑफ द रिवर. अब दोनों रिवर के बीच में पहुंच गए थे, ठीक है, काफी देर से तैर रहे. अब दोनों रिवर के बीच में पहुंच गए. The monkey rides on the crocodile and they start swimming. They reached in the middle of the river. The crocodile tells the monkey that they are going to eat his heart. The monkey was frightened, but finds an idea. अब जो क्रोकोडाइल है उसने मंकी को बीच पानी के बीच में जाने के बाद बताया कि वी आर गोइंग टू ईट योर हार्ट, हम इसीलिए तुम्हें लेके जा रहे हैं तुम्हारा हार्ट खाने के लिए. तो मंकी पहले तो थोड़ा डर गया, फिर उसने सोचा एंड ही फाउंड आउट द सोल्यूशन, ही गॉट एन आइडिया. The monkey told the crocodile that he left his heart at home. So the crocodile swims back to the tree. अब मंकी ने उसको बताया कि जो ट्री है, जो हार्ट है वो तो मैंने ट्री पे छोड़ दिया, तो अब हम क्या करें, तो अब हमें वापस ट्री पे जाना पड़ेगा. तो क्रोकोडाइल क्या करता है, उसको बोलता है कि चलो ठीक है हम वापस ट्री पे जाते हैं. As soon as they reached land, the monkey jumped to his tree and was saved. ठीक है, सो जैसे ही वो लोग पानी के पास से लैंड की तरफ पहुंचे, मंकी जल्दी से अपने पेड़ पे वापस कूद गया एंड ही वॉज सेव्ड. ठीक है, सो वॉट इज द मॉरल, सो वॉट डू वी हैव नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. आपके पास वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, आपको उसमें से करेक्ट वर्ड ढूंढना है एंड फिल इन द ब्लैंक करना है. ओके, फर्स्ट वन, passengers are sitting dash the train. passengers कहाँ बैठे हैं ट्रेन में, inside, है ना, ऊपर तो नहीं बैठेंगे, बैठते हैं but that is wrong. some birds are dash flying dash the sky. some birds are flying in the sky. अच्छा, flying in the sky होता है ना, flying on the sky तो नहीं होता. चल, the trees are dash the train. the trees are
बिहाइंड द ट्रेन. आप जब ट्रेन में जा रहे होते हो तो आप देखते हो ना ट्रीज पीछे पीछे छूट जाते हैं. सो द ट्रीज आर बिहाइंड द ट्रेन. एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्रेन. ओवर मतलब ऊपर से, इनसाइड अंदर, इन उसमें, ओवर ऊपर, बिहाइंड पीछे. व्हील्स आर डैश द ट्रेन. व्हील्स आर अंडर द ट्रेन. ट्रेन के नीचे होता है ना व्हील्स, ट्रेन का व्हील्स ट्रेन के नीचे होता है ना. सो इजी. द पैसेंजर्स आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन. सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. द ट्रीज आर बिहाइंड द ट्रेन. एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्रेन. व्हील्स आर अंडर द ट्रेन. राइट. नेक्स्ट, हियर आर सम वर्ड्स गिवन बिलो. मेक थ्री वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन ऑफ दीज वर्ड्स. वन इज डन फॉर यू. आपके पास एक बड़ा लेटर है, आपको उसमें से छोटे छोटे वर्ड्स ढूंढने. ओके. लाइक पैसेंजर. पैसेंजर में से क्या क्या मिला? पास, एस, एंगर. थ्री वर्ड्स. नेक्स्ट, थाउजेंड्स. एस ए एन डी, सैंड. सैंड मतलब रेत. सैंड. एस ओ यू एन डी, साउंड. ठीक है. टी एच टी एच यू एस, दस. टी एच यू एस क्या होता है? दस का मतलब इसलिए. मतलब इफ आई वॉन्ट टू यूज इट इन अ सेंटेंस, मैं कैसे करूँगी? लाइक कोई भी सिचुएशन जिसमें आपको बोलना हो तो ये करना होगा. दस यू हैव टू डू इट. मतलब कोई रीजन दे के यू हैव टू डू इट से पहले आप दस लगा सकते हो. मतलब इसीलिए. सो आपको ये करना ही पड़ेगा. सो दस तब यूज होता है. नेक्स्ट इज ट्रेन्स. फर्स्ट सबसे अच्छा ट्रेन्स. एस आई एन सिन. सिन मतलब गलती. फिर और क्या है? टी आई एन टिन. टिन क्या होता है? टिन की शीट्स पता है? टिन की शीट्स होती हैं. सो दैट्स अ मेटल. नेक्स्ट इज फ्रेट. एट. राइट. फिर टाइट. ओके. सो थाउजेंड्स में से आपको क्या क्या मिला? सैंड, साउंड एंड दस. ट्रेन्स में से रेन, सिन, टिन. फ्रेट में से एट, राइट एंड टाइट. इजी है ना? जरूरी नहीं है कि मैम ने ये वर्ड्स लिखे तो आप ये लिखोगे. आपको अगर इसमें से कुछ और वर्ड्स मिल रहे हैं ना तो आप वो भी लिख सकते हो. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. सो नेक्स्ट इज टिक मार्क दी करेक्ट वर्ड्स. आपको टू वर्ड्स सी एम ब्रैकेट में जो ऑलमोस्ट सेम सेम साउंड करते हैं बट सेम नहीं है. उनके मीनिंग्स भी अलग है, उनके स्पेलिंग्स भी अलग है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि इन दोनों में से कौन सा सही वर्ड है. ओके. चलो. रोहित एंड मोहित डू नॉट शूट शाउट इन द क्लास. शूट मतलब दो शूट हो सकते हैं. या तो आप गोली मार दो शूट, या फिर जो कैमरा से शूट होता है दैट शूट. ठीक है. सो दो शूट. एंड शाउट इज चिल्लाना. सो मोहित एंड रोहित एंड मोहित क्लास में शूट नहीं करते या शाउट नहीं करते? शाउट नहीं करते. मंगो टायर्ड या ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री एंड टेक द मैंगोस. टायर्ड मतलब थक गए. एंड ट्राइड कोशिश किया. सो ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए थक गए या ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश की? कोशिश की. राइट. नेक्स्ट, ऋषि वॉन्ट्स टू हैव अ ग्लास ऑफ वोटर या वॉटर. वोटर मतलब जो लोग वोट डाल सकते हैं. एंड वॉटर इज पानी. सो ऋषि वॉन्ट्स टू हैव अ ग्लास ऑफ वॉटर. नेक्स्ट, अमित कैन सी और सी विथ हिज आइज. अमित कैन समंदर विथ हिज आइज या अमित कैन देख सकता है विथ हिज आइज. कैन सी विथ हिज आइज.
पूर्णिमा मस्ट हेल्प मी या पूर्णिमा मोस्ट हेल्प मी, पूर्णिमा को मेरी मदद करनी चाहिए या पूर्णिमा ज़्यादा मेरी मदद। मस्ट इज करना ही है, ज़रूरी है, मोस्ट इज ज़्यादा, सो मस्ट। सो दीज वर्ड्स ऑलमोस्ट साउंड सिमिलर बट उनके स्पेलिंग्स और उनकी मीनिंग्स डिफरेंट है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू राइट एंड व्हेन यू से, ठीक है ना। मोहिता एंड रोहित, डू नॉट शाउट इन द क्लास। मंगू ट्राइड टू क्लाइंब द ट्रीज एंड टेक द मैंगो। ऋषि वॉन्ट्स टू हैव अ ग्लास ऑफ वॉटर। अमित कैन सी विथ हिज आईज। पूर्णिमा मस्ट हेल्प मी। ओके, सो दैट वॉज ऑल इन योर पोएम ट्रेन्स। सारे एक्सरसाइजेस कर लिए हमने। आई होप आपने ये सारे एक्सरसाइजेस मैम के साथ ही वर्कबुक में कर लिए होंगे, ठीक है। सो वेन एवर यू डू द वर्कशीट्स, प्लीज कीप योर टेक्स्ट बुक्स ओपन एंड रीड द चैप्टर और द पोएम वंस मोर बिफोर यू स्टार्ट डूइंग योर वर्कशीट्स। तो आपको याद आ जाएगा कि स्टोरी या पोएम में क्या था, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।